ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंगातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरु तम नमामि। देवी और सज्जनों, आज गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर समस्त मानव जाति को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। भारत भूमि को यह गौरव प्राप्त है कि जब जब विश्व में अन्याय अत्याचार बढ़ते हैं तो किसी ईश्वरीय शक्ति का अवतरण होता है। जब जब होए धर्म की हानि, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर भवति भारत, तो त्रेता में अवतार हुआ, द्वापर में अवतार हुआ और अब कलयुग में जब ये समाज बटा हुआ था, कटा हुआ था, जादू टोने टोटके अंधविश्वास रूढ़ियां जड़ जमा रही थी, समाज आपस में बटा हुआ था, कटा हुआ था, लड़ाई झगड़े बैर विरोध जात वर्ण आश्रम मत पंथ मजहब में बटा हुआ था पूरा विश्व, ऐसे में उस ईश्वरीय शक्ति का अवतरण हुआ। कल तारण गुरु नानक आया, कलयुग में काली मां को समाप्त करने के लिए उज्जवल और एक प्रकाशमान विश्व की स्थापना करने के लिए गुरु नानक देव जी का आगमन हुआ और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, हमें बताया कि ईश्वर एक है, विप्रा बहुधा वदन्ति, जो समाज को जोड़ता है, लोगों को जोड़ता है, वही धर्म है, वही सत्य है। और गुरु नानक देव जी ने हमें वो रास्ता दिखाया कि ईश्वर अल्लाह रूप उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, सब में उसी का अंश है, सब में उसी का विस्तार है। वो कहीं मन बैठा साध, कहीं लेता है समाध, कहीं जोगी कहीं नाग, कहीं जंगम झमेला है, कहीं करता है राज, कहीं फिरता मोहताज, कहीं ब्याह कहीं काज, कहीं दूल्हा अलबेला है, उसके रूप है अपार, वेद पायो नहीं पार, वो है तो अकेला पर अनेक खेल खेला है, अनेक खेल खेला है। गुरु नानक देव जी के संदेश को अपने जीवन में उतारें और सबसे प्यार करें, एक सुंदर संसार की संरचना करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, बहुत बहुत बधाई।